पाकिस्तान की टीम से आप एक ही चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई, ये टीम कब करने क्या वाले हैं, ये टीम कब क्या कर जाए आपको पता नहीं है। 350 खा रही है, बाबर आजम आउट हो गया है, इमाम आउट हो गया है, रिजवान पता भाई बाबर सब करते रहते हैं, बाबर कुछ नहीं, रिजवान कह रहा मैं हूं भाई सब कुछ हूं, अंडर प्रेशर चेज में, जो मैं कह रहा था ना आज वो विराट कोहली वाली लीग में जाएगा बाबर ऐसा कर देगा तो बाबर तो नहीं कर पाया कुछ भी, लेकिन रिजवान ने जो पारी खेली है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स फ्रॉम अ पाकिस्तानी बैटर आई हैव सीन इन अ व्हाइल। दोस्तों हाई प्रेशर में रिकॉर्ड चेस, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। 1975 से चलने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में आज पहली बार इतना बड़ा रन चेस किसी टीम ने किया है और वो टीम है अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान टीम। अगर इमामुल हक जल्दी आउट ना होते और दोस्तों बाबर आजम जल्दी आउट ना होते तो पाकिस्तान इस रिकॉर्ड को एक और बड़ा रिकॉर्ड पे भी तब्दील कर देता, यानी जल्दी ही इसे पूरा कर देता। लेकिन क्या होता है कि बाबर आजम आउट हो जाते हैं और उनके साथ इमामुल हक भी आउट हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक मोहम्मद रिजवान की ऐसी पारी आती है कि जबरदस्त पारी खेलकर वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, अपनी टीम को जितवा देते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो एक है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा रन चेस किया, लेकिन इसके अलावा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड यह है कि एक मैच में 4 सेंचुरियां आ जाई हैं। 2 श्रीलंका के बैट्समैनों ने बनाई थी जिन्होंने पाकिस्तान को टारगेट दिया था और फिर अपने टारगेट को डिफेंड कर रहे थे और पाकिस्तान को 2 सेंचुरियां दे दी, जिनमें एक सेंचुरी अब्दुल्ला शफीक ने बनाई थी और दोस्तों दूसरी सेंचुरी मोहम्मद रिजवान ने जबरदस्त सेंचुरी बनाकर बता दिया कि पाकिस्तान टीम क्यों कहती है कि वो नंबर 1 टीम है। और दोस्तों पाकिस्तान टीम नंबर 1 रैंकिंग पे दोबारा वापस आ गई है आज का मैच जीतने के बाद। इसके बाद पाकिस्तान टीम नंबर 1 पे भी है और पाकिस्तान के बाबर आजम भी नंबर 1 पे हैं, यानी पाकिस्तान टीम वो दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ गई है इस नॉक के बाद। और अगला मैच सीधा सीधा भारत के साथ होने वाला है, देखा जाएगा कि पाकिस्तान टीम वहां पर भी ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश करेगी या नहीं।